सो हैलो गाइस, MDKS अंसारी इज़ हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर 17K सब्सक्राइबर। तो गाइस हमने रिसेंटली कंप्लीट कर चुके हैं 17K सब्सक्राइबर। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं जो प्रो कबड्डी के जितने भी अपडेट्स आते हैं, जितने मैं कवर कर सकूँ वो भी मैं अपडेट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन आपको 1 से 2 वीडियो करूँ इस चैनल पर। तो गाइस मैक्स योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पहले अपडेट की। तो गाइस पहला अपडेट आता है प्रो कबड्डी के रिलेटेड। तो प्रो कबड्डी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक फोटो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि KBD सुपर रेड्स यानी कि वॉज द सुपर रेडर्स ऑफ #VivoProKabaddi सेट द मैट ऑन फायर ओनली ऑन स्टार्स फुट 2, 3 एंड 1। यानी कि दोस्तों कबड्डी का जो सुपर रेडर्स का जो मतलब सीरीज है वो आपको 4 जुलाई से देखने को मिल जाएगा और उसका रिपीटेड टेलीकास्ट आपको 10 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो मेक श्योर आप 10 जुलाई को भी देख सकते हो सुबह 10:30 बजे Star Sport 3, Star Sport 2 और Star Sport 1 के नेटवर्क पे। तो वैसे अब बात करते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। दूसरा अगला न्यूज़ आता है प्रो कबड्डी के रिलेटेड ही। तो उसमें प्रो कबड्डी ने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक और फोटो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि किलर इंस्टिंक्ट मतलब टीम्स विद द मोस्ट ऑल आउट इन्फेक्टेड इन वीवो प्रो कबड्डी। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना पायरेट्स ने सबसे ज़्यादा ऑल आउट पॉइंट्स दिया जिसमें 199 पॉइंट्स लिया था। नंबर 2 पे आते हैं युम्बा जिन्होंने 178 पॉइंट्स लिया था। नंबर 3 पे आते हैं बेंगलुरु बुल्स जिन्होंने 161 पॉइंट्स लिया था। और दबंग दिल्ली आते जिन्होंने 147 पॉइंट्स लिया था। और दोस्तों सबसे लास्ट में तेलुगु टाइटन्स आती है, तेलुगु टाइटन्स 147 पॉइंट्स। तो बताइए कि दोस्तों सीजन बाय सीजन ये रिकॉर्ड चेंज होते जाएंगे। तो गाइस बात करते हैं अगले न्यूज़ उसकी तरफ। दोस्तों हमारा अगला अपडेट आता है मनिंदर सिंह को लेके। तो प्रो कबड्डी ने रिसेंटली मनिंदर सिंह से इंटरव्यू किया था प्रो कबड्डी के इंस्टाग्राम हैंडल पे और उन्होंने उनसे सवाल किया था कि आपका प्रो कबड्डी में ड्रीम टीम क्या है। तो मनिंदर सिंह ने कहा कि मेरा ड्रीम टीम प्रो कबड्डी में ये है जिसमें कैप्टन उन्होंने रखा है अजय ठाकुर को, राइट कवर में रखा है सुरजीत सिंह को, लेफ्ट कवर में रखा है महेंद्र सिंह को और दोस्तों रेडर में रखा है प्रदीप नरवाल को, नवीन कुमार को और राइट कवर में रखा है बलदेव सिंह को, लेफ्ट कवर में रखा है रन सिंह को। So, guys, आपको पता चल ही गया होगा कि मनिंदर सिंह का ड्रीम टीम क्या है। सो गाइस अब बात करते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा अगले अपडेट आता है वहीं प्रो कबड्डी को लेके। सो गाइस प्रो कबड्डी ने एक और फोटो अपलोड किया था जिसमें लिखा था इंपैक्ट रेडर्स मोस्ट सुपर रेड्स इन वीवो प्रो कबड्डी जिसमें प्रदीप नरवाल टॉप पे है। फिर दोस्तों सेकंड पोजीशन पे आते हैं पवन सहरावत, थर्ड पोजीशन पे आते हैं रिशंग देवाधिका और फोर्थ पोजीशन पे आते हैं राहुल चौधरी और पॉइंट्स आप इमेज में देख सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट आता है मनप्रीत सिंह को लेकर। तो मनप्रीत सिंह से भी इंटरव्यू प्रो कबड्डी ने रिसेंटली लिया था जिसमें उनसे भी ड्रीम टीम पूछा गया था। दोस्तों मनप्रीत सिंह का ड्रीम टीम आप देख सकते हैं जिन्होंने सेंटर पर रखा है रोहित गुलिया को, राइट कवर पर रखा है सुनील कुमार को, लेफ्ट कवर पर रखा है परवेश भैसवाल को और नवीन कुमार रेडर है प्रदीप नरवाल को रखा है और दोस्तों राइट कॉर्नर पर रखा है संदीप नरवाल को, लेफ्ट कॉर्नर पर रखा है सुरेंद्र नारा को। सो गाइस ये रहा मनप्रीत सिंह का ड्रीम टीम। अब बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। सो गाइस रिसेंटली 6 दिन पहले हमारे मोस्ट फेवरेट डिफेंडर सुरेंद्र नारा का बर्थडे था तो उस दिन विश नहीं कर पाए। तो दोस्तों 6 दिन पहले सुरेंद्र नारा का हैप्पी बर्थडे, विश वेरी हैप्पी बर्थडे। और दोस्तों 7 दिन पहले यानी कि दोस्तों आज से 1 हफ्ते पहले हमारे आमिर हुसैन बस्तमी का भी बर्थडे था। अगर आप जानते नहीं हो तो दोस्तों ईरान जूनियर कबड्डी टीम के कैप्टन थे जो फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप 2019 में जीते थे। तो विश वेरी हैप्पी बर्थडे। फिर दोस्तों वहीं बात की जाए तो उसी दिन हमारे जगपाल सिंह का भी बर्थडे था जिसे आप जानते हैं 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुके हैं इंटरनेशनल टेस्ट सीरीज जो बांग्लादेश के खिलाफ था दिल्ली में और अजमेर में, मतलब कि उन्होंने गोल्ड मेडल दो टाइम जीता है। और दोस्तों वो इंडिया टीम के भी पार्ट रह चुके हैं जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था, 2004 में वर्ल्ड कप हुआ था। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगला अपडेट आता है कबड्डी मास्टर को लेकर। यानी कि दोस्तों 7 दिन पहले उसी दिन से 2 साल पहले हमारी इंडिया टीम ने कबड्डी मास्टर का खिताब जीता था। अगर आप भूल गए होगे तो मैं आपको याद दिला दूं कि 7 दिन पहले यानी कि दोस्तों आप डेट ही जान सकते हो, आज से 7 दिन पहले यानी कि दोस्तों शायद से 1 जुलाई को 2018 को कबड्डी मास्टर इंडिया जीत गई थी। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आता है 29 जून को हमारे आदि ओसोरा का बर्थडे।
जगह विश्व वेरी हैप्पी बर्थडे। फिर दोस्तों बात करते हैं 29 जून को। दोस्तों 29 जून का एक और जन का बर्थडे था जिनका नाम है उषा रानी। दोस्तों अगर आप उषा रानी को नहीं जानते दोस्तों गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है इंडिया की तरफ से जो साउथ एशियन गेम 2016 में थी, और दोस्तों पार्ट ऑफ सिल्वर मेडलिस्ट इंडियन टीम में जो एशियन गेम 2018 यानी कि दोस्तों वो कबड्डी प्लेयर थी। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की। दोस्तों अगला अपडेट आता है विक्टर ओबेरो की तरफ। दोस्तों 29 जून को विक्टर ओबेरो का बर्थडे था, दोस्तों वेरी हैप्पी बर्थडे। फिर दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते 100 लाइक्स। तो गाइस उम्मीद है आप इस लाइक एम को कंप्लीट कर सकते हो। गाइस 100 लाइक्स का लाइक एम है, तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, और आपको हर दिन में कितने वीडियो चाहिए आपको बताना, और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस फिलहाल बस इस वीडियो में इतना है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए। चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। गाइस आप हमें इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। गाइस बाकी सब वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप पहले बाकी सब वीडियो को भी देख सकते हैं। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं कौन वीडियो है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।